और अब कोड मरा। भाई इतनी रात को इसके के परेशानी है या सो क्यों ना जाती है? हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अपने कमरे में हूँ। वहाँ क्या कर रहे हो? कमरे में के करे करे आदमी सो रहा हूँ। मैंने तुम्हारी नाइट ड्यूटी लगाई थी, तुम सो रहे हो। हाँ तो मैं मर जाऊँ ड्यूटी कर करके? हम भी ड्यूटी पर हैं, हम तो नहीं मरे। तुम 24 घंटे की ड्यूटी ना करते हो, मेरी डे नाइट चल रही है कितने दिन से। अपनी बकवास बंद करो और टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आओ। कहाँ आना है? चौकी में, मैं ड्यूटी पर हूँ। ऐसी के आफत आ गई, मुझे नींद आ रही है। जल्दी आओ, हमें कहीं रेड मारने जाना है। तो रेड मारने जाना तो तेरा चमचा होगा, कोई और होगा, वहाँ ते ले जा। मुझे मत समझाओ, जल्दी आओ। काट दिया, पता ना किसने इसे चौकी इंचार्ज बना दिया। अब जाना पड़ेगा ना, टेंटे टेंटे करती रहेगी। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, ड्यूटी छोड़कर सोया हुआ है। किसी आदमी को सोन मत दियो 2-4 घंटे। ज्यादा पड़ी है सोने की तो घर चले जाओ नौकरी छोड़कर, फिर सोते रहना। ये पुलिस की नौकरी है। तो पुलिस वाले सो नहीं सकते क्या, या वो सोते नहीं है? बकवास बंद करो, हमें रेड मारने जाना है। किसकी रेड मारने जाना है? मुझे पता चला है कि जंगल में कोई देसी दारू बनाता है। कोई दारू पारू ना बनाता है। मुझे सूचना मिली है। ओहो, इसका मतलब चौकी में कोई चुगलखोर भी है। चुगलखोर मतलब? मतलब सूचना किसी मुखबर ने दी है या वैसे ही तुक्का मार रही हो? खास सूत्रों से सूचना मिली है, जल्दी चलो। अब उधर कहाँ जा रहे हो? ड्रेस तो पहन रही हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, तब तक वो लोग भाग जाएंगे। अरे यार, दारू की रेड मारन जा रहे हैं, किसी ने मेरी भेंट चढ़ा दी तो? कोई भेंट नहीं चढ़ा रहा, जल्दी चलो। अब उधर कहाँ जा रहे हो? मैं बाथरूम भी ना जाऊं के? हेलो हेलो। अबे ओ हेलो, कहाँ हो? साहब भट्टी पे। हम तो भट्टी पे हो तो जल्दी भाग जाओ, मैडम को पता चल गया, वो रेट डालने आ रही हैं। साहब आप रोकना उन्हें, हम तो आपको पैसे देते हैं। अबे गधे, पैसा देते हो जब ही तो फोन कर रहा हूँ, वरना मैं के कर रहा होता तुम्हें पता नहीं है। तो साहब अब हम क्या करें? भाग जाओ। भाग जाओ, चलो भी चलो, सारा सामान समेटो, पुलिस को पता लग गया, भागो यहाँ से। तुम किससे बातें कर रहे थे अंदर? मैं बाथरूम करते हुए थोड़ा गुनगुना लेता हूँ। वो गाने की आवाज नहीं थी। अरे अब देर नहीं हो रही, वो लोग भाग जाएंगे। चलो देखती हूँ क्या कर लोगे तुम। मैं उनका भूस भर दूंगा। भूस तो यूं भर गया। हैं? हाँ। तुम कैसे अब लो यहाँ? एक गाड़ी तो डाल गया, नू सुन रहा दूसरी गाड़ी ले जा रहा, फिर हल्लो ही नहीं आ जाएगा क्या भूस? तीसरी तो ना ले रहा, कभी हल्लो भी भर जा। राम जाने के कर रहा वो। चलो हम देखेंगे। भूस भर दिया मेरे खोके में, भूस भर दिया खोके में। ये हम कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ों पे। पहाड़ों पे कहाँ? अरे जहाँ तुम कहो, तुमने तो कई पहाड़ों पे चल रहे हैं। ओ मूर्ख, हम घूमने नहीं जा रहे हैं, रेड मारने जा रहे हैं, गांव के जंगल में रेत वाली पहाड़ी पर। तो हम घूमने ना जा रहे के? पागल समझ रहे हो हमें, जानबूझकर देर कर रहे हो। अरे मुझे न्यू लगा कि मसूरी या नैनीताल जा रही थी, खेले क्या हमें सब है। शट अप, अपनी ये सिली बातें अपने पास रखो। किधर से जाओगे? जिधर मर्जी से भेज दे। तुम और राजवीर लेफ्ट साइड जाना, मैं और सुरजीत राइट साइड जाएंगे। ठीक है। और सुनो,
जब हम कॉल देंगे तब तुम आ जाना, और जब तुम कॉल दोगे तब हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। पक्का आ ही जाना। अरे पक्का मर्द की जबान है ये, जुबान मैं पहले भी देख चुकी हूँ। भाई रामपाली तू कर होगा? अब बता भाई क्या करूं, तेरा ही जुगाड़ करा था दारू में, यू भी नाश होगा इस मैडम की वजह से। यार भाग साथ दे ही नहीं रहा मेरा तो, जोन से भी काम में आती है, उसमें बिल्ली लोटी पावे। चल मरण दे अब देखेंगे, ठीक है ना। चल तू बैठ, तू बैठ। और जो उसने देख लिया? अब देख लिया तो देखने दे, तू बैठ जा। चल मैं बीड़ी बैड़ी पी लूं, तू देखता सी रही है। जी मैडम जी, देख के चलिए। बोलो मिस सुरजीत। शराब तो बनती है और यहीं बनती है। जी मैडम। लगता है वो लोग हमारे आने से पहले भाग गए। सही कह रहे हो मैडम। चलो फिर देखते हैं कब तक भागते हैं वो लोग। ठीक है मैडम। हेलो हेलो, अरे कहाँ हो तुम? साहब हम तो भाग गए। हाँ भाग जाओ भाग जाओ। तुम आराम से गाड़ी में बैठे हो? हाँ तो हम के करे, हम तो बहुत दूर लोग घूम के आए हैं, हमें ना मिला कोई। तुम्हें मिला? हाँ मिला। कौन मिला? इसके पीछे देशी दारू की भट्टी चलती है और वो लोग भाग गए। अच्छा भाग गए? ओहो। वो मुझसे बचकर नहीं जा सकते, छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। हाँ तो मत छोड़िए, कौन कह रहा छोड़ने की निया? वो लोग हमारे आने से पहले भाग गए, इसका मतलब जानते हो तुम? हाँ इसका मतलब वे पकड़े नहीं गए। नहीं इसका मतलब हमारे आने की सूचना उन्हें पहले ही मिल गई थी, इसका मतलब हमारे लोगों में से उन लोगों से कोई ना कोई मिला हुआ है, हमारे लोगों में से। तो मैं तो तेरा लोग नहीं हूँ। शट अप यू नॉनसेंस।